हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दक्ष कार्की। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह हो गई है, मैं बस स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ और आज है मेरा जीके का एग्ज़ाम और मम्मी सामने चल रही है और मैंने आज दवाई खाई थी तो दवाई खाई थी मैंने, उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझको उल्टी हो गई। उल्टी में सब खाना निकल गया, सब दवाई निकल गई। और आज मम्मी ने बहुत अच्छा खाना भी बनाया था, मशरूम और मटर की सब्ज़ी। बहुत टाइम बाद ब्लॉग में आ रहा हूँ, तभी कुछ वैसे आ नहीं रहा बोलने के लिए, तो बाकी का ब्लॉग मम्मी को बनाएंगी। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सब कुशल होंगे, हम लोग भी बहुत बढ़िया है। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग इस प्रकार है कि आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, दक्ष के आप लोगों से मुलाकात हो चुकी है और वो जा चुका है स्कूल। आज भी उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, बट स्कूल तो जाना ही था। और उसकी तबीयत खास नहीं, मेरा फेस खास नहीं, देखिए यहाँ और यहाँ पर तो इतना बड़ा पिंपल हुआ है कि इसमें क्या ही कहा जाए कि कितना दर्द हो रहा है। तो बस यही है, घर के सारे काम हो चुके हैं और जो है पूजा पाठ भी मैंने सारी कर ली है, घर के कपड़े पहन के तैयार। हाँ जी मित्रों, तो एक कॉल आ गया था तो वीडियो जो है पॉज हो गई। मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं घर के कपड़े पहन के जो है घर में ही रेडी हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा अपना होम टूर करवाऊंगी। होम टूर मतलब कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं होम टूर करवाने के लिए, बट होम टूर वाला देखिए मेरा वीडियो पहले से अपलोड है एक मेरे चैनल में, आप देख सकते हैं। दिवाली में मैंने एक डेकोरेशन वाला वीडियो भी डाला है और दक्ष के बर्थडे में भी मैंने अपना होम टूर दिया था। हालांकि वो अच्छे से नहीं हो पाता क्योंकि दक्ष जो है बच्चा है वो बोल भी अच्छे से नहीं पाता, कैमरा भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता, मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं जो भी है मैं अपना हॉल दिखाऊंगी थोड़ा सा आपको, जितना भी मुझसे पॉसिबल होगा। तो वो मतलब दिखाऊंगी, मतलब एक अलग वीडियो में दिखाऊंगी उसको, इसमें नहीं दिखाऊंगी, वो अलग से वीडियो बनाऊंगी। सिर्फ हॉल का मैंने चीजें जो चेंजेस करी है वो दिखाऊंगी। तो फिलहाल तो बस इतना ही है, मुझे जाना है दुकान दूध लेने के लिए, उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय। एक चाय मैं सुबह पी चुकी हूँ, एक चाय और पीने का मन कर रहा है तो मैं वो पीऊंगी। और मेरे पिंपल सही नहीं हो रहा है, मैंने आप लोगों से पूछा था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला एलोवेरा लगाइए, मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स लगाइए, मैंने वो सब ट्राई कर रखा है बट मेरा फेस नहीं होता है सही, कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे वो लोग वो चीज़ बताएं जिनको ये पता होगा, जिसके फेस में कुछ भी एलोवेरा हल्दी और बेसन मुल्तानी मिट्टी कुछ भी सूट ना होता उसको क्या सूट होगा, आप ये चीज़ मुझे बताना। तो देखूंगी मैं उसको ट्राई करके देखूंगी, अदरवाइज जो बाकी सब बताया तो उस सब के लिए थैंक यू, बट वो सब मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं हो रहा है। तो बस यही है, फिलहाल दूध ले आते हैं और चाय बनाते हैं। सो जी, दक्ष की तबीयत जो है फिर से स्कूल में ख़राब हो गई थी, स्कूल से फ़ोन आ गया था तो मैं इसको लेने चले गई थी और अभी इसका हम लोग ब्लड टेस्ट करवा के हम लोग घर को जा रहे हैं। ये रहा, बुखार आ गया था इसको और दवाइयाँ भी ले ली है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जो है शाम तक आएगी, तो वही है कल सुबह ही मैं जाऊँगी लेने, तब तक मैं और दवाइयाँ जो है वही इसको दूँगी और खाना वाना खिलाएंगे। तो मतलब हम तो काफ़ी पहले ही मैं चले गई थी बट मैंने व्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं करी, तबीयत ख़राब है सुन के ही मेरा मूड जो है मतलब मेरा मूड ख़राब हो रहा था कि इसकी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए बेटा टिक्की खोलना, इसलिए मैंने कोई वो नहीं करा, व्लॉग भी शूट नहीं करा। तो अभी सीधे घर जाते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर मेडिकल से मैं कुछ दवाइयाँ ले रही थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता देती हूँ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं चली गई हूँ करके। तो घर जाने के बाद ही जो है मिलते हैं आप लोगों से, देखते हैं क्या होता है। कैसा लग रहा है बेटा अभी बुखार? निरंजन, तबीयत सही लग रही है बता? हाँ। बुखार उतर गया? हाँ। अभी अभी मैंने जो है इसको अभी अभी क्या स्कूल में ही मैं दवाई लेके गई थी, मैंने इसे दवाई दे दी थी खाने के लिए, अभी घर पहुँच के खाना वाना खिला के अभी एक दवाई और है वो देनी है और रिपोर्ट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि शाम को 7 बजे आएगी इसकी। और इसके चक्कर में मैंने ना कोई व्लॉगिंग नहीं करी, मतलब जैसे ही मैं नहा धो के बैठी थी व्लॉग मैंने जो है एडिट करा था, इतने में स्कूल से जो है फ़ोन आ गया था तो मैं स्कूल ही चली गई थी सीधे, फिर भपड़ दबड़ में कोई व्लॉगिंग नहीं करी। जब तक इसको मिली नहीं, इसको दवाई नहीं खिलाई, इसको ब्लड टेस्ट कराया, इसको जूस पिलाया बाहर, तो उसके बाद ही फिर मैंने कहा कि अब आप लोगों को भी बता देती हूँ क्योंकि सब लोग फिकर करते ही हैं तो आप लोगों की जो है दुआएं भी रहती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अभी इसको एक दवाई और खिलानी है, खांसी की दवाई, गरारा वगैरह भी इसने सब कुछ कर लिया है जो भी डॉक्टर ने बोला था, सारी चीज़ें कर ही रहा है वो। तो बस यही है, अभी तो पेपर जो है 2-3 दिन बाद है, छुट्टी है तो तब तक ये सही हो जाएगा, रेस्ट मतलब मिल जाएगा इसको, तबीयत वगैरह तब तक सही हो जाएगी। हाँ ट्यूशन नहीं भेजती हूँ, घर में ही किताब विताब पढ़ लेगा अपनी, अभी तो बुखार वगैरह नहीं है बट वीकनेस हो रही है तो ट्यूशन कोई बात नहीं, अपने आप स्किप करता है। तो फिलहाल तो इसको पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ थोड़ा। दक्ष तो पढ़ाई कर रहा है, मैं जो है मंदिर में पूजा पाठ करके और नीचे आ चुकी हूँ, खाने की तैयारी करते हैं कुछ। और अभी तो बुखार नहीं है मुझको, थोड़ा सा बर्तन भी है वो भी धोने हैं मैंने, तो वो भी धोती हूँ।
तो देखते हैं क्या बनाते हैं अभी खाने में, और कल छुट्टी है, आराम से उठेंगे। बट कल सुबह हॉस्पिटल जाना है, अभी मुझे रिपोर्ट लेने भी जाना था, बट सुबह ही लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। व्लॉग कुछ बना नहीं, पूरा दिन ऐसे ही रहा क्योंकि दक से तबियत सही नहीं थी, तो मैं क्या ही शूट करती, मन भी नहीं कर रहा था। अभी तो फिलहाल तबियत सही है, किताब पढ़ रहा है। उस टाइम पे मैंने आप लोगों से बोला था कि किताब पढ़ेगा, बट वो बोला था मेरा मन नहीं कर रहा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा रेस्ट करो। उस टाइम से अभी शाम हो गई, शाम के 7 बज गए हैं करीबन, तब मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ कॉल वगैरह थे, फ़ोन के कुछ काम थे, और जो गाना रिलीज़ हुआ है उसके पीछे कुछ चीज़ें थी। आप लोगों ने वो गाना देखा या नहीं देखा उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत सुंदर गाना है। रील बनाइएगा बहुत ज़्यादा ज़्यादा उस पर, और कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे, शेयर कीजिएगा। और बस देखियो, गाना बनाने का बस इतना सा मकसद रहता है कि उनकी जो याद है वो आप लोगों तक, उनके प्रशंसकों तक पहुँचे, और फिर से यादें जो हैं ताज़ा हो जाएं। इसीलिए मैं उनके जो भी गाने हैं उनके वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, अपना प्रयत्न जो है करती रहती हूँ। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को गाने पसंद आते हैं या नहीं आते हैं, तो बस जैसा भी है रील बनाइएगा जितनी ज़्यादा हो सके। लव सॉन्ग है, बहुत प्यारा सुंदर सा गाना है, तो रील ज़्यादा से ज़्यादा उस पर आप लोग बनाना, और मुझे टैग करना कविता कार्की में, दक्ष को टैग करना दक्ष कार्की 2011 में। Is called question answer। तो जी मित्रों, मैंने तो खाना खा लिया है, और मैंने खाया है कढ़ाई में मुझे कढ़ाई में पसंद है, तो मैं कढ़ाई में ही खाऊंगी, तो मैंने इसमें खा लिया। दक्ष भी खा रहा है, फिर देते हैं उसको दवाई। याद उसने कर लिया, याद मतलब याद तो था, रिवीजन कर लिया जो भी था। तो अब मैं फटाफट से बर्तन वर्तन धोती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दक्ष से मिलवाती हूँ, बताएगा उसकी तबीयत कैसी है। खा लिया है खाना पीना, और मेरे बेटे ने दवाई भी खा ली है। मेरे बेटे का बुखार कैसा है? बढ़िया। इधर देखो, तब सही लग रही है मेरे बाबू को, पुंची पुंची मेरे बाबू। शकल ही चेंज हो गई इसकी तो बुखार से। तो इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी नए वीडियो में, जल्दी से जल्दी दक्ष सही हो जाए। फिलहाल तो कल रिपोर्ट है कि डॉक्टर को जाना है दिखाने के लिए, तो बस सब कुछ सही हो जाए और दक्ष जल्दी से सही हो जाए, तो फिर अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया सी वीडियोज़ बनाएंगे। और होली भी आने वाली, तो होली के लिए भी हमारी जो वीडियोज़ बनेंगी, रील्स बनेंगी, वो सब आप ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ क्या होता है, और डिसलाइक मत कीजिएगा, अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के मेरी तरफ से आपके परम मित्र के दक्ष कार्की की तरफ से आप सभी लोगों को प्रणाम। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के मम्मी की तरफ से और मेरी तरफ से शुभ रात्रि, डाटा, बाय बाय, गया।